हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ क्यूब निकालने का, जिससे आप किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आज क्यूब निकालने का ट्रिक को सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्यूब निकालने के इस ट्रिक को सीखने से पहले आप लोगों को एक से लेकर के नौ तक का क्यूब याद रहना चाहिए। एक से लेकर के नौ तक का क्यूब क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो यहाँ से आप लोग लिख के याद कर सकते हैं। और चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्रिक की ओर। तो देखिए, हम यहाँ पर एक संख्या ले ली है जो कि 13 है। अब देखिए इसका जो है हम ट्रिक पर जो है क्यूब कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब देखिए इस लाइन में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक का क्यूब लिख लेंगे। एक का क्यूब कितना होता है, एक ही होता है। उसके बाद तीन का क्यूब लिख लेंगे यहाँ पे। तो तीन का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। अब इस लाइन पे जो है कितना डिजिट होना चाहिए, तीन डिजिट होना चाहिए। कितना डिजिट होना चाहिए, तीन डिजिट। तो तीन डिजिट को यहाँ पर पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देंगे। तो आप लोग बोलिएगा कि हम जीरो यहाँ पे क्यों लगाएंगे, इस साइड भी तो लगा सकते हैं। नहीं, इस साइड जीरो हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अगर हम इस साइड जीरो को लगा देते हैं तो इसका जो है मान बढ़ जाएगा। इस साइड जीरो लगाने से इसका मान नहीं बढ़ेगा, इसीलिए हम जीरो जो है कहाँ पे लगाएंगे, इस साइड लगाएंगे। अब इसमें भी यहाँ पे भी तो तीन डिजिट पूरा करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो जीरो लगा देंगे। अब इतना करने के बाद देखिए क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो एक को तीन से गुना किए कितना हुआ, तीन। फिर तीन को तीन से गुना किए कितना हुआ, 27। कितना हुआ, नहीं सॉरी, एक को तीन से गुना किया तो कितना हुआ, तीन हुआ। फिर तीन को तीन से गुना किया कितना हुआ, नौ हुआ। अब देखिए इन नौ को गुना करना है, ये दिया हुआ जो डिजिट है, जो ये दिया हुआ जिसका हम लोग को क्यूब निकालना है, वो उस संख्या से इसको क्या करना है, गुना कर देना है। तो फिर देखिए यहाँ पे हमने 13 को 9 से गुना कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 117। कितना हो गया, 117। अब इसमें दोनों साइड से एक अंक को छोड़ के, एक डिजिट को छोड़ करके क्या करना है, चलिए दोनों साइड से एक डिजिट को क्या किए हम, छोड़ दिए। अब क्या करना है, इसको इसमें ऐड कर देना है। तो लिख लिए 7 1 1। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना होगा, 7 7 2 9 1 2। चलिए 0 0 का इस साइड तो कोई मान्य नहीं होता है, नहीं भी लिखेंगे तो चलने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 13 का क्यूब कितना निकल गया, 2197। कितना निकल गया, 2197। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बराबर देख करके, 2197। चलिए अगर आप लोगों को एक से सब समझ में नहीं आया तो एक दूसरा और लेकर के समझा देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहे। तो चलिए एक और दूसरा संख्या ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक और ले लिए, 52। क्या है, 52। अब इसका भी हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो इस तरीके से लाइन खींचते हैं। क्या करते हैं, दो लाइन खींचते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद क्या करना है, इसमें ये 5 जो है इसका क्या लिखना है, क्यों लिखना है। तो 5 का क्यों कितना होता है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो 5 का क्यों कितना होता है, 125। कितना होता है, 125। और उसके बाद 2 का क्यों कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। अब हमने क्या बोला था कि यहाँ पे तीन डिजिट पूरा होना चाहिए, यहाँ पे तो एक ही डिजिट है। यहाँ पे तो चलिए खैर तीन डिजिट हो ही गया है और यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे 1 2 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे तीन डिजिट पूरा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को आपस में गुना करते थे, दोनों संख्या को आपस में गुना करते थे। तो 5 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 10। और 10 को 3 से गुना किया तो कितना हो गया, 30। अब 30 जो हो गया है, अब इसको क्या करना है, दी हुई संख्या का जिसका हमें क्यूब निकालना है उससे गुना कर देना है। तो अब देखिए इसको 52 से क्या किए, गुना किए। अब देखिए इसका भी, ये भी गुना करने में आप लोगों को अगर ज़्यादा देर लगता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। 52 को 3 से गुना करके इस तरीके से लिख लीजिएगा, 3 2 6 और 5 3 15। और 1 0 है, 1 0 बैठा देंगे, कितना हो गया, 1560। अब इसको क्या करना है, दोनों साइड से एक डिजिट को छोड़ करके, दोनों साइड से एक डिजिट को छोड़ करके क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिख लिए 0 6 5 1। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 है यहाँ पे, हो गया 8 0 6 5 5। कितना हो गया, 10। इसमें से एक हासिल बच गया, यहाँ पे ऊपर में लिख दिए, 2 1 3 1 4 1। तो यहाँ पे 52 का क्यों कितना निकल गया, 52 का क्यों कितना निकल गया, यहाँ पे देखिए फिर हाँ। तो यहाँ पे हमारा 52 का जो है क्यूब कितना निकला, 14 0 6 0 8।
अगर आप लोग को ये क्यूब निकालने का ट्रिक समझ में आ गया, अच्छा लगा, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसको कि आप लोगों को जवाब देना है कमेंट में। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दे देते हैं जो कि है 26, कितना है 26, जिसका जो है जवाब कहाँ पे देना है कमेंट में। अगर आप लोगों को ये ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख पाए और ये ट्रिक को सीख पाए। तो अगर आज आप लोग अभी तक हमारे आशा का एजुकेशन के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर के उसे फॉलो कर लीजिए ताकि हमारे जो वीडियो आते रहेंगे तो आप लोग को उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि आप वहां से खोल करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।